बांका शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों के लिए 2 दर्जन लोगों ने बकाया मजदूरी की मांग को लेकर जिला पदाधिकारी बांका को लिखित आवेदन देकर मजदूरी भुगतान कराने की मांग की है। शनिवार के दिन 2 दर्जन दुकानदार एवं मजदूर जिला समाहरणालय पहुंचकर जिला पदाधिकारी को आवेदन दिया। मौके पर बर्तन दुकानदार श्याम सालहेरी, किराना दुकानदार रवि कुमार, राकेश कुमार, हलवाई गौतम कुमार, विजय कुमार, गुंजन कुमार आदि ने बताया कि हम सभी लोगों का लगभग 40 लाख रुपए का बकाया है। अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं। जिला पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर बकाया मजदूरी भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। सफाई टेंट पूरा लगा के मेरा सर 5.5 लाख हुआ, उसमें 36,000 रुपए हमको दे के सर तार मटोर कर रहा है, मांगने जाते हैं हमसे 20% मांगा जा रहा है। उसमें सर पूरा गाली गलौज कर रहा है और कभी उरे बात बोलता है, कभी बोलता है जेल भेज देंगे, कभी ये कर देंगे वो कर देंगे। बहुत गलत व्यवहार मेरे साथ किया जा रहा है। ये कहते हैं नाजिर जी को और आपका सीओ साहब को, कल हमको बुलाया था, बोला बर्तन का पैसा 80,000 रुपया, उसमें हम कहाँ से पैसा देंगे अपना। बोलिए जबकि हम बोले कि 6 लाख रुपया बर्तन का आया हुआ है, बोला आपको कैसे मालूम पूरे दे देंगे, मर माना ने सर आज बुलाया था, आज नाजिर आया ने, हम लोग यहाँ पर गुस्सा करके डीएम के पास में बाका आए हुए हैं। पैसा देने में टाल मटोल, हाँ पैसा आजकल कर रहे हैं सर, इसलिए बहुत परेशानी हो रहा है सर, ब्याज में टका सर लेते सके मालूम। 25 से 40 लाख रुपया सर बकाया है, मेरा निजी 10.5 लाख रुपया बकाया है सर। हमने सभी सेंटर पे खाद्य सामग्री दिया है, सीओ साहब और नाजिर साहब दोनों मिलकर मेरे दुकान पर आए थे, 1.5 लाख का सामान बात हुई थी सर, धीरे धीरे हमारा 10.5 लाख का बकाया हो गया। मेरा सारा जेवर एवं महाजन का तगादा डेली है सर, जेवर भी मेरा बंधक है सर। उसके बाद जब सीओ साहब के पेमेंट के लिए गए रोज टाल मटोल कर रहा है, सीओ साहब और स्थानीय प्रशासन से तंग आने के बाद हमने आज फैसला किया कि डीएम साहब के यहाँ जाना है। हम लोग सभी व्यवसायी मिलकर डीएम साहब के यहाँ मिलने आए थे, लेकिन बकरीद पर्व होने के कारण सर यहाँ ऑफिस और ये बंद था, तो मैंने गोपनीय शाखा में सभी का दरखास्त दे दिया सर और DCLR साहब से भेज। बांका जिला के लिखनी कोंजी पंचायत के बिलासी गांव में शनिवार के दिन बम की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। बमबाजी की घटना में जहां एक तरफ एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरी तरफ मृतक के 2 भाई बुरी तरह से जख्मी होकर बांका सदर अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मामले को लेकर मृतक संजय यादव के भाई प्रदीप यादव ने बताया कि गांव में हम लोगों को 3 एकड़ 70 डिसमिल जमीन है, जिस पर हमारे गुतिया कपिल देव यादव समेत अन्य लोग कब्जा करने की नीयत से जमीन को जोतने का प्रयास करते आ रहे हैं। 4 वर्ष पूर्व भी जमीन विवाद हुई थी, जिसको लेकर बांका न्यायालय के द्वारा विवादित जमीन पर धारा 144 लगा दिया गया था। धारा 144 लगाने के बावजूद भी हमारे गोतिया जबरन उक्त जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जमीन को जोतने का प्रयास कर रहे थे। सूचना मिलने पर हम सभी भाई उक्त जमीन पर पहुंचकर जमीन को जोतने से रोकने का प्रयास किया। हम 5 भाई के पहुंचने पर हमारे गोतिया कपिल देव यादव, योगेंद्र यादव, दिनेश यादव, रमेश यादव, मोहन यादव, महेंद्र यादव समेत अज्ञात 20 लोगों ने ताबड़तोड़ झोले में रखे बम से प्रहार किया। करीब 30 राउंड बम से प्रहार किया गया, जिसमें हमारे बड़े भाई संजय यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बम के हमले में मैं और मेरा भाई कैलाश यादव बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। बताते चले मृतक 5 भाई था, जिसमें मृतक के अलावा 2 भाई बुरी तरह से जख्मी हो गया है, जबकि शेष 2 भाई इंद्रदेव यादव और देवेंद्र यादव दहशत में है। वहीं मृतक का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल बांका में किया गया। समाचार मिलने तक मामले की लिखित आवेदन थाने में देने की प्रक्रिया की जा रही थी। उसके बाद आज सुबह हम लोग आए वहाँ पर, देखे तो हर नहीं जोता था। उसके बाद 10 बजे करीब 11 बजे आए तो हर जोत रहा था, एक आदमी दो आदमी और 15-20 आदमी साइड में बैठा हुआ था। हम लोग मना करने के लिए गया तो 25 से 30 बम फेंका, उसमें एक मेरा संजय भाई क्या सर पर लगा, वो वहीं पर मौत हो गई। कौन कौन फेंका बम? वो फेंका रमेश यादव, महेंद्र यादव, कपिल देव यादव। इनका ही बात विवाद था, उसी के लिए वो हल जोत रहा था, हम लोग आए मना करने के लिए, तब तक पीछे से बम फेंक दिया, बम फेंक दिया तो उसमें से वो घायल हो ही गया, तो फिर हम लोग उसको उठाने गए तो पीछे से वापस मार के मारा। बांका के लोजपा के वरीय नेता जवाहरलाल पासवान की शनिवार के दिन अकस्मात मौत से पार्टी में कार्यकर्ताओं समेत क्षेत्र के लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार जवाहर पासवान लंबे समय से गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा था। शनिवार के दिन पासवान की स्थिति गंभीर हो गई, जिसको लेकर परिजन शहर के रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर अशोक कुमार शाह के द्वारा पासवान का प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। मृतक पासवान 58 वर्ष के थे और इनका पैतृक गांव बैजुडी था, लेकिन सब परिवार वह पिछले 4-5 वर्षों से अमरपुर बाजार में ही किराए का मकान लेकर रह रहे थे।
इनकी पत्नी शिक्षिका है। स्वजनों ने बताया कि शनिवार की सुबह तबियत खराब होने के बाद इलाज के लिए रेफर अस्पताल लेकर गए, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौके पर परिजनों ने बताया कि डायबिटीज से वे पिछले 10 वर्षों से ग्रसित थे। जवाहरलाल पासवान धोरैया विधानसभा क्षेत्र से लोजपा की टिकट से चुनाव लड़ चुके थे। वे लगभग एक दशक तक दलित सेना के जिलाध्यक्ष के पद पर भी थे। स्वास्थ्य खराब होने के बाद पार्टी में उनकी सक्रियता कम हो गई थी। चिकित्सक ने हार्ट अटैक से मौत होने की पुष्टि की है। उनके निधन पर जिलाध्यक्ष बेबी यादव, युवा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, बिपिन सिंह, दलित सेना के जिलाध्यक्ष जेठू पासवान, आईटी सेल के जिलाध्यक्ष दिलीप पासवान, जिला उपाध्यक्ष वरुण मधुकर, कौशल किशोर सिंह, महिला जिलाध्यक्ष मुन्नी देवी, राज्य कार्यकारिणी सदस्य प्रकाश पासवान सहित भाजपा नेता मृत्युंजय शर्मा, भोलू पुद्दार, राजद प्रखंड अध्यक्ष मनोज दास सहित अन्य राजनीतिक दल के नेता तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शोक व्यक्त किया है।